बांद्रा फोर्ट जाने की इच्छा लिए हम सब अपने होटल से निकल पड़े और पहुंच गए उपनगरी स्टेशन जुईनगर, जो कि वाशी में स्थित है। और यहां पहुंचकर हमने मुंबई लोकल का टिकट लिया और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। मुंबई लोकल का टिकट लेने में दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पहली बात यह है कि मुंबई लोकल का टिकट लेते समय लाइन काफ़ी लंबी होती है, तो इसलिए आप अपने मोबाइल में UTS नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड रखिए और घर से निकलते समय उससे ही टिकट आप ले लें। UTS एक ऐसा एप्लीकेशन है जो लोकल ट्रेन टिकट अवेलेबल कराता है। इसकी सहायता से आपका काफ़ी समय बचेगा और आप परेशान नहीं होंगे। तो आप मुंबई लोकल का टिकट आप इससे करा लीजिए। उसके बाद आप पहुंच जाइए बांद्रा टर्मिनस। बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद यहां से हमने ऑटो किया और निकल पड़े बांद्रा फोर्ट जाने के लिए। बांद्रा फोर्ट बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है और इस स्थान की एक खास बात और यह है कि जब आप यहां पहुंचने लगेंगे तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पर न जाने कितने फिल्मी सेलिब्रिटीज के मकान स्थित हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटी शाहरुख खान का मन्नत भी इसी रास्ते में पड़ा, जिसको देखना भी हम सबको नसीब हुआ और उसके बाद हम सब आगे चल पड़े। धीरे धीरे हम सब पहुंच गए बांद्रा फोर्ट। इसके अंदर जाने का कोई भी एंट्री टिकट नहीं है और यहां पर आने के बाद आप आसानी से अंदर आ सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा डेवलप किया गया इलाका है जहां पर आपको एक तरफ तो काफ़ी हरा भरा बगीचा दिखेगा और एक तरफ पुर्तगाली समय का किला बना दिखेगा। किला बहुत ही हद तक ख़त्म हो चुका है, केवल इसका थोड़ा सा ही हिस्सा यहां बचा हुआ है। यहां का वातावरण काफ़ी मनोरम और हरा भरा है। आप यहां आएंगे तो आप यहां पर पर्यटकों से ज़्यादा लव बर्ड्स को देखेंगे, इसीलिए आप जब बच्चों के साथ आएँ तो थोड़ा विवेक से काम लें। बांद्रा किला आने के लिए मुंबई उपनगरीय रेलवे के पश्चिमी लाइन का रेलवे स्टेशन है, जिसे बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर आइए और यहां से ऑटो पकड़कर आप आसानी से यहां आ सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहें तो फादर आंगने बस स्टेशन यहां पर नज़दीक में है, जो आपको किले के पास उतार देगा। कैस्टेला द अगुआड़ा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के बांद्रा क्षेत्र में स्थित है, जिसे बांद्रा किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला पुर्तगालियों द्वारा 1640 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य माहिम खाड़ी, जो भारत के मुंबई शहर का दक्षिणी द्वीप का हिस्सा है और अरब सागर में स्थित है, उसकी देखरेख की जा सके। इस किले पर पुर्तगालियों के शासनकाल में पुर्तगाली जहाज़ों का आवागमन रहता था। यह स्थान पर्यटकों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो यह किला पुर्तगालियों ने 1534 में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पुर्तगाली शासन में इस किले को वाटर पॉइंट का किला भी कहा जाता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का शासन जब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था, इसके बाद किले पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया, परंतु ब्रिटिश संपत्ति के लिए मराठा साम्राज्य सबसे बड़ा खतरा बन गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका आंशिक भाग नष्ट कर दिया, जिससे मराठा द्वारा इस संपत्ति पर कब्जा करने की संभावना को कम कर सकें। 1739 में इस किले पर मराठा सैनिकों ने आक्रमण कर इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उन्होंने 1774 ईस्वी तक बांद्रा किले का शासन किया था। परंतु जब प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ तब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर पुनः अपना कब्जा कर लिया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने कैस्टेला दे अगुआड़ा के साथ और भी कई द्वीपों को बायरमजी जीजीबी को एक पारसी व्यापारी व्यक्ति को दान में दे दिया। कैस्टेला दे अगुआड़ा समुद्र तल से 24 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले को कई हिंदी फिल्मों में दिखाया गया है, जैसे दिल चाहता है, बुढ़ा मिल गया और न जाने कितने। इसी बांद्रा किले के बगल से ही एक बहुत ही खास चीज होकर गुजरी है, जिसे हम मुंबई वर्ली सीलिंग कहते हैं। बहुत ही शानदार पुल लोगों में एक प्रमुख आकर्षण भी है, जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं वो इस पुल पर एक बार जाना जरूर चाहते हैं। लेकिन इस पुल की भी एक कंडीशन है कि आप 2-व्हीलर के साथ इस पर नहीं जा सकते, आपके पास 4-व्हीलर का होना कंपलसरी है, तभी आप इस पुल पर होकर गुजर सकते हैं। खैर, हम लोगों ने इसको देखा और ये वही स्थान था जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं, जहाँ से न जाने कितने फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो एक अलग एहसास होता है जब आप जिस चीज़ को टीवी पर लगातार देखते आए हों और उससे जब रूबरू होते हैं तो एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है। तो हम लोगों ने भी कुछ देर यहाँ पर खड़े होकर इस वर्ली सीलिंग को निहारा
और उसके बाद हम सब चले गए इस किले को देखने के लिए। कहने को किला है लेकिन बहुत ही छोटा हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ पर आपको कई सारे यंग कपल्स मिल जाएंगे जो यहाँ पर बैठकर इसकी सुंदरता को निहार रहे थे, अपने में खोए हुए थे। तो हम सब भी धीरे धीरे किले में ऊपर की तरफ गए। किले में ऊपर जाने के बाद फिर हम सब नीचे आ गए और नीचे आने के बाद हम सब बीच की तरफ बढ़े। पत्थरों से पटा हुआ था बीच, थोड़ा संभाल कर चलिएगा क्योंकि हल्का सा भी लड़खड़ाने का मतलब है चोट लगना, और बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम सब धीरे धीरे और संभल कर चलते चलते पहुँच गए बीच के किनारे पर, और वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी देर तक हम लोगों ने बीच को निहारा, सुंदरता देखी और उसके बाद काफ़ी सारी फोटोज़ खिंचाई, अपनी यादों को संजो के रख लिया। मुंबई एक सपना होता है लोगों का कि मुंबई जाएं, देखें। न जाने कितने फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में उन्होंने मुंबई का नाम सुना, उनके मोहल्लों का, गलियों का नाम सुना। हम लोगों ने भी न जाने कितने मोहल्ले गलियों का नाम सुना। फिर जब हम लोगों ने ट्रेन से यात्रा की तो वही सारे इलाके हम लोगों के सामने से गुजर रहे थे, चाहे वो बांद्रा हो, चाहे चर्च गेट हो, चाहे विरार हो, चाहे विले पार्ले हो, कुछ भी हो, सब हम लोग के सामने से गुजर रहे थे। तो सब चीज़ें पहचानी हुई लग रही थी। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने एक नई दुनिया में कदम रखा है। मुंबई जो अपने आप में इतना प्रसिद्ध स्थान है, बड़ी बड़ी हस्तियों का घर यहाँ पर मौजूद है, तो एक अच्छा अनुभव होता है कि मुंबई आए और हमने इन लोगों को देखा या इन स्थानों पर गए। तो काफ़ी देर हम सब इसी बीच पर बैठे रहे और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। कहने को तो जनवरी का महीना चल रहा था लेकिन सर्दी जरा सी भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी और धूप भी चुभ नहीं रही थी, इसलिए बहुत ही सुहावना मौसम था जिससे हम सब यहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तो कभी आप सब भी मुंबई आइए तो इन स्थानों पर जरूर आइएगा और एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं बॉलीवुड के बादशाह किंग खान की। बांद्रा के पास ही बांद्रा फोर्ट से मात्र वॉकिंग डिस्टेंस पर शाहरुख खान का घर है। तो हम सब भी मन में इच्छा लेकर कि शाहरुख खान के एक दर्शन हो जाए, हम सब चल पड़े उनके घर की तरफ। मुश्किल से 10 मिनट पैदल चले तो सामने सुल्तान नथानी चौक आई जिसके सामने ही शाहरुख खान का मन्नत मौजूद था। शाहरुख खान का घर तो घर है ये, और उसके सामने का इलाका पिकनिक स्पॉट कितना डेवलप हो चुका है। आप तरह तरह के खिलौने बेचने वाले, भेलपूरी बेचने वाले, चना जोर गरम बेचने वाले मिल जाएंगे, और उनके घर के सामने उनके चाहने वालों का तांता लगा ही रहता है जो शाहरुख खान के दीदार के उम्मीद में आते हैं। लेकिन अगर वो दीदार नहीं हो पाता तो कम से कम उनके बंगले के साथ ही फ़ोटो खिंचा लेते हैं और ये सोच के खुश होते हैं कि शाहरुख खान के घर तक हम गए। तो हम सब भी उनके घर के पास गए। उनके प्रति लोगों की दीवानगी देखते ही बनती थी। लोग वहाँ पर तरह तरह के पोज बनाकर फ़ोटो खिंचा रहे थे, हमने भी फ़ोटो क्लिक की और शाहरुख खान की यादों को समेटा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सलमान भाई का भी घर मिला, वहाँ पर भी हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई और वापस आ गए। तो साथियों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।